नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल लवी क्लासेस में। और इस वीडियो में आपके लिए ESO 13 जो कि है सोशियोलॉजिकल थॉट, इस सब्जेक्ट की हम वीडियो लेकर के आए हैं। इसका जो है एग्जाम बहुत जल्द है और काफी कैंडिडेट्स ने की रिक्वायरमेंट थी ये सब्जेक्ट, तो अभी मैं इस पे वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आपने अगर ये क्वेश्चंस कवर नहीं किए हैं जो मैं अभी बताऊंगी, तो आप जरूर कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। मैंने काफी पुराने एग्जाम्स को जो आपके पहले हुए हैं उनको स्टडी करके ही ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं, तो आपके लिए निश्चित तौर पर ये बहुत बहुत ज्यादा जो है बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम जो होता है वो 3 आवर्स का होता है और 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। ओवरऑल चॉइस नहीं होती क्योंकि 3 सेक्शंस होते हैं और सेक्शन में जो है इंटरनल चॉइस आपको देखने को जरूर मिलेगी, सेक्शन वाइज चॉइस होती है। तो फर्स्ट जो सेक्शन होता है इसमें आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो आपको अबाउट 500 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडियाज ऑफ अगस्त कॉम्टे टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, क्योंकि इनका नाम जो है अगस्त कॉम्टे का वो काफी बार प्रचलित रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि इनका जो है क्या इनके विचार थे सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट को लेकर के। नेक्स्ट इज डिस्कस मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट मार्क्स एंड वीबर्स अप्रोच टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटलिज्म, ये क्वेश्चन भी आया है, काफी जो रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। एक्सप्लेन विद स्टेबल एग्जांपल्स मेलिनोविस्कीज नीड्स थ्योरी, थ्योरी ऑफ नीड, ये नीड थ्योरी जो है ये आपका 12 मार्क्स में भी आता है कई बार, लेकिन 20 मार्क्स के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि 2-3 बार देखा है कि 20 मार्क्स में भी पूछा गया है ये। डिस्कस पेरेटोज थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सोशल फैक्ट, हाउ कैन सोशल फैक्ट्स बी स्टडीड, ही नहीं यहाँ पर बी स्टडीड आएगा। डिस्कस द वेरियस फीचर्स ऑफ सोशल फैक्ट्स, तो सोशल फैक्ट्स के फीचर्स को तो कई बार 12 मार्क्स में भी पूछा गया है, लेकिन ज्यादातर देखा है कि व्हाट इज अ सोशल फैक्ट एंड हाउ सोशल फैक्ट्स बी स्टडीड, या तो इस तरह के से क्वेश्चन आता है या पूरा ही क्वेश्चन आता है, ये 20 मार्क्स के हिसाब से आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस पार्सन्स व्यूज ऑन द सोशल सिस्टम एंड डिस्क्राइब एंड डिस्कस द फंक्शंस प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ सोशल सिस्टम एज मेंशन बाय पार्सन, क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, इसको भी नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट इज डिस्कस द सेंट्रल आइडियाज ऑफ सिमिलिंग, कुछ सोशियोलॉजिस्ट के आपको विचार पूछे जाएंगे तो इंपॉर्टेंट जो नाम है वो जरूर कवर आप कर लें। कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉर्ज सिमिल इन द डिस्कोर्स ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट इज डिफाइन सोशल सोलिडेरिटी एंड डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी। व्हाट इज प्रिडिक्शन, डिस्कस मार्क्स आइडियाज ऑन मोड्स ऑफ प्रिडिक्शन। डिफाइन कलेक्टिव कॉन्सियसनेस एंड डिस्कस इट्स रिलेशन विद कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। सभी जो टर्म एंड एग्जाम है, आने वाले सेशंस भी हैं, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता है तब तक और एग्जाम पैटर्न भी वही रहता है, तब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम रहते हैं। एक्सप्लेन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड हाउ डिड मार्क्स यूज इन इट इट्स थ्योरी। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स इज हाउ डज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कंट्रीब्यूट टू द एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, डिस्कस। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का भी काफी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो ये जो आप क्वेश्चंस लिखेंगे इनमें आप कंक्लूजन जरूर लिखेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स क्वेश्चन है और आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए आपको हेडिंग बनाना, पॉइंट्स में लिखना और लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना है। नेक्स्ट इज सेक्शन सेकंड, जिसमें आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको लगभग 250 शब्दों में जो है इनका आंसर करना होता है। आप चाहे तो कंक्लूजन लिख सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट आप लिखिए, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, हेडिंग बना करके लिखें। डिस्कस द और जो भी डिफरेंसेस जब भी आते हैं उनको आप टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो उससे आप अच्छा स्कोर करते हैं। और अगर पॉसिबल हो तो हर पॉइंट के साथ बेसिस ऑफ डिफरेंस भी लिखें। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस विद स्टेबल एग्जांपल्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इंटर रिलेशन बिटवीन
रिलीजन एंड इकोनॉमी इन वीबर्स अंडरस्टैंडिंग. व्हाट इज एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन पर 6 मार्क्स का शॉर्ट नोट भी आता है. डिस्कस विद एग्जाम्पल्स. व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? अगेन ब्यूरोक्रेसी पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है. एंड एक्सप्लेन इट्स सेलियंट फीचर्स ऑल्सो. व्हाट आर पैटर्न वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू टॉलकॉट पार्सन? एंड डिस्कस विद एग्जाम्पल. पैटर्न वेरिएबल्स पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आया है. नेक्स्ट इज डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ कल्चर एज गिवन बाय मेलिनोव्स्की एंड टेलर. कंसेप्ट ऑफ कल्चर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. डिस्कस रॉबर्ट मैटन्स पोस्टुलेट्स ऑफ फंक्शनल एनालिसिस. एक्सप्लेन मैक्स वीबर्स थीसिस ऑन प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. डिस्कस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया. डिस्टिंग्विश बिटवीन रेडक्लिफ ब्राउन्स कंसेप्ट ऑफ सोशल कल्चर स्ट्रक्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको कवर किए बिना जाना नहीं है एग्जाम में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आइडियल टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस. व्हाट इज अ रेफरेंसी ग्रुप? ब्रीफली डिस्कस मैटर्स ग्रुप रेफरेंस थ्योरी विद स्टेबल एग्जाम्पल्स. तो देखिए काफी क्वेश्चंस जो कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन करने को आई है तो उसमें जो है आपसे एग्जाम्पल जरूर मांगी गई हैं. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन राधा कमल मुखर्जी फॉर्मुलेशन ऑफ सोशल इकोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर कार्ल मार्क्स एंड इमाइल दुर्खिम्स एनालिसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एलिब्रेट वेबलिन्स थ्योरी ऑफ लेजर क्लास. तो ये क्वेश्चंस जो थे ये 12 मार्क्स के हिसाब से थे. अब बात करें शॉर्ट नोट की जो कि 6 मार्क्स के आते हैं, आपको 100 वर्ड्स में लगभग जो है आंसर करने होते हैं. तो वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनोमिया एंड डिसनोमिया. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव डेप्रिसिएशन. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एनोमी. इथेनोग्राफी एंड मोनोग्राफ. सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल चेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल चेंज. नेक्स्ट इज फंक्शन एंड डिसफंक्शन. एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन. एनलाइटमेंट पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अभी कवर कर लीजिएगा. डिस्कस विबलिन्स आइडियाज ऑन कॉन्फ्यूशियस कंजम्पशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड अगस्त कॉम्प्टी मीन बाय हायरार्की ऑफ साइंस. मैक्स वीबर्स कंसेप्ट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, या खाली फिर कई बार पावर एंड अथॉरिटी भी दे देते हैं मार्क्स वीबर का ना दे करके. नेक्स्ट इज एलिट्रिस्टिक सुसाइड एंड इगोइस्टिक सुसाइड. व्हाट इज अ मल्टी एथनिक सोसाइटी. फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन. तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, ये आपने कवर करके जाने हैं. देखना बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे अगर आप मेरी राय से ये क्वेश्चंस जो है आप अच्छे से कवर करके एग्जाम के लिए जाएंगे. और अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपकमिंग सेशन से जो है इसके क्वेश्चन इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे. जब भी सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. और इस वीडियो की जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी मिल जाएगी, क्योंकि आपको जो है इसकी पीडीएफ की बहुत रिक्वायरमेंट होगी. आपका जल्दी ही एग्जाम है तो आपको क्वेश्चंस जो है ये चाहिए होंगे. तो मैं इसकी पीडीएफ अभी प्रोवाइड करवा दूंगी. टेलीग्राम भी आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कर ले, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी. लास्ट बट नॉट लिस्ट इज अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड स्टडी मटेरियल जो है वो हम जल्द से जल्द अच्छे से अच्छी क्वालिटी का आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं. तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.